पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट पर अपनी दावेदारी मजबूती से दर्ज कराई है। पप्पू यादव इस मुद्दे को लेकर 2 अप्रैल को नामांकन कराने की बात कह चुके हैं और कहा किसी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति तब बनी जब RJD की ओर से बीमा भारती को पूर्णिया सीट पर उम्मीदवार घोषित करते हुए सिंबल दे दिया गया। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, महागठबंधन में औरंगाबाद के बाद अब पूर्णिया सीट भी तकरार की वजह बनती दिख रही है। पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को नामांकन की घोषणा कर दी है, कहा किसी भी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, सहयोगी प्रफुल्ल पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, पूर्णिया सीट महागठबंधन में विवाद की वजह बनती दिख रही है, पप्पू यादव ने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रफुल्ल, पूर्णिया सीट महागठबंधन में विवाद की वजह बनती दिख रही है। बिल्कुल दीपक, देखिए पूर्णिया में आज दिन के 2 बजे जो महागठबंधन से RJD की प्रत्याशी हैं बीमा भारती, उन्होंने आज प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी दावेदारी पेश कर दी है और राजद से सिंबल लेते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद से, उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। उसके बाद यहाँ से जो पूर्व सांसद पप्पू यादव हैं जो कुछ ही दिन पहले कांग्रेस को में ज्वाइन किए थे, उन्होंने अब जो बड़ी जानकारी आ रही है सामने खुल के कि 2 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया से वो नामांकन दर्ज करेंगे, जिसके लिए वो पूरे लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से जाके मिल रहे हैं, लोगों से आप कह सकते हैं कि जो स्नेह है वो पा रहे हैं। अब कहा जा सकता है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला पूर्णिया में देखने को मिलेगा, जिस तरह से पप्पू यादव अपनी पार्टी को का विलय जो है कांग्रेस में कर लिए थे और वो उनको कहीं ना कहीं भरोसा दिलाया गया था कि पूर्णिया से जो है उनको चुनाव लड़ाया जाएगा कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि महागठबंधन जो है राजद ने अपने उम्मीदवार बीमा भारती को यहाँ पे घोषित कर दिया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि पूर्णिया की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी तेज हो चुकी है। तो नजर बनाए रखें प्रफुल्ल, फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद।